हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेव टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कम मेहनत में रेस्टोरेंट स्टाइल सेव टमाटर की सब्ज़ी कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अगर आप इस सब्ज़ी को और भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तेल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। और अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए, आप यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको तेल में सोटे करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और टमाटर। तो हमने 2 हरी मिर्च को इस तरह बारीक काट लिया है। साथ ही में हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने बारीक काट लिया है। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इन्हें तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, 2 से 3 मिनट तक तेल में फ्राई करने के बाद टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो हमने टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इस स्टेज पर हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इस सब्ज़ी को बढ़िया सा कलर देने के लिए 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। साथ ही में हमने लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम टमाटर के साथ मसालों को लो फ्लेम पर कुछ देर तक भूनेंगे। तो इसे कवर करके हमने लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए, यहाँ पर सारे मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसका तेल भी सरफेस पर आने लगा है। तो एक बार इसे चला लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें सेव ऐड करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर सेव कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम रतलामी सेव ली है। तो आप इस स्टेज पर इसमें सेव ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि सब्ज़ी में सेव थोड़ी सी क्रंची हो तो आप इसे जब सर्व कर रहे हों उस वक्त आप सेव ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी रखनी है या फिर पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और अगर आप किसी बारीक सेव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप बहुत कम पकाइएगा क्योंकि वो जल्द ही घुल जाएगी। तो हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लिया। अब इस सब्ज़ी को बिल्कुल गुजराती स्टाइल बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे। देखिए, आप यहाँ पर चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो सब्ज़ी बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड करेंगे। तो खाने के लिए तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल सेव टमाटर की सब्ज़ी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।
चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।